हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। देखिए, स्टॉक में हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया था एंड अगर आप प्रीवियस टर्म में देखें स्टॉक में हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला था। बट अगर अभी की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें डाउनवर्ड ट्रेंड भी देखने को मिला है। बट इन एंड अराउंड स्टॉक में आप देखें इस जगह पर बायर्स काफ़ी एक्टिव थे। राइट नाउ जब से मार्केट में फॉल देखने को मिल रहे हैं, इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं स्टॉक पूरा रिलेटेड है इंडियन मार्केट से एंड ऑल्सो आउटसाइड मार्केट से, इस वजह से इसमें फॉल भी देखने को मिल रहा है। अब जो मेन लेवल्स रहेंगे हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट ये हैं। अगर कल के दिन ये 750.95 को ब्रेक करता है एंड एक रेड कैंडल फॉर्म करता है 1 आवर के चार्ट फ्रेम में, तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छी। एंड अगर हम बताएं अपसाइड ट्रेंड में, अगर ये स्टॉक 821.90 को ब्रेक करता है एक दिन दो दिन के टर्म में, तो देन हमें इसमें एक अपसाइड ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। अगर स्टेबलाइज हो जाता है इसका ट्रेंड कहीं, अगर फेक ब्रेकआउट नहीं होता है वो, एंड स्टॉक में बने रहने की राय देखिए, बिकॉज जो स्टॉक पहले इतना अच्छा मोमेंटम दिखा रहा हो आज मार्केट की वजह से, उसमें हल्का फुल्का डाउनफॉल देखने को अगर मिल जाए तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए उस स्टॉक में। एंड ये स्टॉक ऑलरेडी हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है इन द प्रीवियस टर्म, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक उम्मीद रहेगी। एंड जो नए बायर्स हैं बिल्कुल बाइंग करें, बट स्टॉप लॉस का याद रखें 750.95।